वेलकम इन प्लांट पैराडाइज बाय शक्ति। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, चाइनीज लोग उसे फ्लावर ऑफ वेल्थ कहते हैं। इसके कोडेक्स की तुलना वो लाफिंग बुद्धा से करते हैं और उसे गुड लक प्लांट की तरह मानते हैं। तो मैं आज एडेनियम यानी डेजर्ट रोज के बारे में ये बताने जा रही हूँ कि सितंबर और अक्टूबर लास्ट तक हमें एडेनियम की केयर कैसे करनी हो है और हमें क्या क्या उपाय करने हैं, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स कुछ पॉइंट में बताऊंगी। देखिए, रेनी सीजन में ये पौधे बहुत ही ग्रो करते हैं, लेकिन एक नुकसान ये होता है कि बारिश के कारण इसके सॉयल मीडिया से न्यूट्रिएंट लीच हो जाता है। तो हमें प्लांट को हेल्दियर भी बनाना होगा, क्योंकि वो जब तक बारिश रहती तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे अगस्त 15 तक मोस्टली बारिश ख़त्म हो जाती है, तो हमें अब उसके बाद उसको केयर करनी पड़ती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट भी नहीं है और बारिश भी ख़त्म हो जाती है। तो सितंबर मंथ हम इसका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें हमको प्रॉपर केयर करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने सुना है कि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग हमें स्प्रिंग सीजन में ही करनी चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि हमें अपने एरिया के टेम्परेचर के अनुसार हम किसी और भी मंथ में प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, ग्रोइंग सब कर सकते हैं। जैसे गुजरात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। तो मैं तो अपने प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग जो भी है सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ज़रूर करती हूँ, और मुझे ये अनुमान है कि यूपी, एमपी, गुजरात, बिहार सब जगह इसका ये काम हम इस महीने में कर सकते हैं। लेकिन केरला और हिल एरिया के बारे में मैं नहीं जानती, इसके बारे में मैंने अनुभव नहीं है मेरा। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि हमें सितंबर और अक्टूबर में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप सॉयल का पीएच जरूर ठीक करें, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश में उसके न्यूट्रिएंट लीच हुए हैं, तो इसका सॉयल कम से कम 6-7 में होना, इसका पीएच लेवल 6-7 में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि सितंबर और अक्टूबर में टेम्परेचर फिक्स होता है, तो हमें कटिंग से, सीड से आसानी से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कम ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट में प्रॉब्लम होती है एडेनियम को, लेकिन इस समय नहीं होगी। आप रिपोर्टिंग के समय रूट कोडेक्स, जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप निकाल लिए पौधे को और रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्योंकि बारिश अभी हाल में ही गई है, तो आप रूट कोडेक्स को अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि जड़ों के पास कभी कभी क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है, तो रूट रॉट की समस्या अक्सर होती है। इसीलिए एडेनियम की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाते हैं, ताकि पानी जो है सॉयल में रिटेन ना हो और कोडेक्स में प्रॉब्लम ना आए। मैं यदि फर्टिलाइजर की बात करूं, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन प्लांटर में लगे होने के कारण हमें मेंटेन करना पड़ता है। हमें मई के अंत से लेकर अक्टूबर 15 तक महीने में दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होना चाहिए, जैसे आप बनाना पील फर्टिलाइज़र है, कैस्टर केक है, वर्मी कंपोस्ट का यूज और बोन मील का यूज कर सकते हैं। यदि बोन मील का यूज आप नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह पे आप रॉक फॉस्फेट या स्टोन डस्ट का यूज कर सकते हैं। मौसम और टेम्परेचर के अनुसार हमें वाटरिंग के तरीके को भी बदलना होता है। जैसे देखिए, बारिश में तो बिल्कुल वाटरिंग करनी नहीं है, जाड़े में वाटरिंग बहुत कम कर दीजिए, जब तक कि आप फिंगर टेस्ट ना करें बिल्कुल पानी नहीं डालें। और देखिए, यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट से भी हो सकता है, लेकिन ये रूट रॉट का भी एक रीजन होता है। और जब हम इसको वाटरिंग करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसके कोडेक्स पे और इसकी पत्तियों पे कभी वाटरिंग ना करें, और यदि हमें करना है तो हम इसके सॉयल मीडिया पे ही वाटरिंग करें।
और दूसरा, यदि हम वाटरिंग कर भी रहे हैं तो हमको सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि रात में पानी का जो इवोपोरेशन कम हो जाता है, जिसके कारण पत्तियों पर यह पानी बना रहेगा और कोडेक्स भी बना रहेगा, इससे सड़न के चांसेज हो जाते हैं। तो अब इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे लिए सितंबर और अक्टूबर महीने में भी एडेनियम से फ्लावरिंग लेने का एक अच्छा समय है। कुछ बातों का ही हमें ध्यान देना होता है। कोशिश ये करें कि आपको बरसात में चाहे किसी भी महीने में, यदि आप अपने एडेनियम को बचाना चाहते हैं तो सिंडर बेस मीडिया लीजिए। यदि आपके मीडिया, सॉयल मीडिया में 60% सिंडर और 10% सैंड है और लीव मोल्ड कंपोस्ट है, तो आप बेफिक्र होके करिए, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। और यदि आप सॉयल मीडिया में गार्डन सॉयल लेते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बिगनर से मैं यही करूँगी, अपनी अनुभव के से साझा करूँगी कि यदि बिगनर हैं तो उन्हें सिंडर बेस सॉयल मीडिया या सकुलेंट का, जो सकुलेंट आते हैं उनके सॉयल मीडिया में ही इसको लगाना चाहिए। और यदि सिंडर का आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक में, आप कमेंट करिए, मैं फ़ोन नंबर दूंगी, आप उनसे मंगवा भी सकते हैं जहां से मैं मंगवाती हूं। तरह से मेरे कुछ सुझाव थे जो मेरे खुद के पर्सनल थे, जो अपने आधार पे मैंने दिया है। और प्लीज़ यदि बोर हुए हों तो आई एम सॉरी, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।